हेलो दोस्तों, मेरा नाम तुफैल अफजल है। मैंने मास्टर्स किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन। जैसे कि आपने मेरे थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज मैं आपको पाइथन का कंपाइलर के बारे में बताऊंगा, जो कि आपने डायरेक्ट अपने एंड्रॉइड मोबाइल में चला सकते हैं। पाइथन एक काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, काफ़ी ईजी लैंग्वेज है, जो कि पहले जावा और C++ ये सब थोड़ी सी टफ हो जाती है, तो सीखना थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन जो पाइथन है काफ़ी इजी है, काफ़ी रीडेबल, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है। तो मैं तो ये अभी नहीं सिखाऊंगा आपको कि पाइथन को प्रोग्रामिंग कैसे करना है, लेकिन फर्स्ट मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग ऑलरेडी पाइथन सीख रहे हैं या फिर कोई जो पाइथन ऑलरेडी जानते हैं, बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए या कॉलेज में जो हैं उनके लिए, या फिर कोई अपने ऑफिस में जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उन लोगों के लिए, कि आप बार बार आप लैपटॉप अपना खोल करके फिर अपने प्रोग्राम को आप टाइप करते हो, देन रन करते हो, काफ़ी थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है अगर जल्दी जल्दी आपको करना है। तो मोबाइल तो आजकल हर के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये जो सॉफ्टवेयर जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है पाइथन 3, ये एक कंपाइलर है जो कि आप डायरेक्ट अपने प्रोग्राम को अपने मोबाइल में ही डायरेक्ट रन कर सकते हैं। अभी कैसे करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। जैसे कि आप सबसे पहले अपने गूगल प्ले पे आप जाइए, आप गूगल प्ले पे गए और यहाँ आप टाइप करिए पाइथन 3 IDE। आपने सर्च किया पाइथन 3, तो ये जो ऑप्शन आ रहा है पाइथन 3 IDE मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, आपको इंस्टॉल करना होगा। ये आप ऐसे ओपन कर लेंगे और यहाँ से आप इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि मेरा पहले से इंस्टॉल्ड है इसीलिए ओपन दिख रहा है, आपको इंस्टॉल करना होगा। जब इंस्टॉल कर लेंगे, मैं बैक हो जाता हूँ, अब जब इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको ये आइकन यहाँ पर पाइथन का, तो इसको हम ओपन करते हैं। जब ओपन करिएगा तो इस तरीके से स्क्रीन दिखेगी। फर्स्ट इसमें हम डायरेक्ट, इसमें हम कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके अपने प्रोग्राम को डायरेक्ट हम इसके अंदर में यहाँ इस जगह से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को। आप अपने प्रोग्राम को डायरेक्ट लिख भी सकते हैं जिस तरीके से आपको जैसे लिखना है, आपको प्रिंट अपने हेलो लिखना है, आपने ये लिख दिया डायरेक्ट, उसको रन करिए, डायरेक्ट ये रन कर लिया। आप इस छोटे से प्रिंट को भी सेव भी कर सकते हैं, आपको इस आइकन में आना है जो यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ से आइकन से किया और उसके बाद फिर आपको डायरेक्ट सेव भी कर सकते हैं या सेव एज भी कर सकते हैं। सेव एज करना है अगर इसको, तो हम सेव एज में जाएंगे, ऐसे जाने के बाद इंटरनल स्टोरेज में हम सेव कर सकते हैं, या फिर इसका कोई हम एक न्यू फोल्डर बना सकते हैं, न्यू फोल्डर बना करके हम उसमें अपना डाल सकते हैं, उसका सेलेक्ट करके। और इसको जो आप देख रहे हैं लास्ट में .py, तो ये पाइथन का एक्सटेंशन है, तो इसी में सेव होगा। तो सेव आपने कर लिया, सेव होकर के ये आपके फोल्डर में चला। अब आपको सपोज दैट आपको इसमें अब कुछ ऑलरेडी आपने पहले से सेव किया हुआ है, आपको वो अपना प्रोग्राम चाहिए, तो आप उसी तरीके से आप इस वाले आइकन में जाइएगा। जाने के बाद आप ओपन में जाएंगे, ओपन में क्लिक करेंगे, आपका जहाँ भी इंटरनल स्टोरेज में आपने जहाँ सेव कर रखा होगा अपना फाइल पहले से ऑलरेडी, तो आप उसको वहाँ से पिक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट ओपन वाले में मैंने मेरा फोल्डर है, तो मैं इसमें क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे 3.3 असाइनमेंट, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम बना रखे हैं, सारे इसमें सेव हैं, उसमें मैं ये 3.3 असाइनमेंट को प्रोग्राम को देखना चाहता हूँ, फिर रन भी करना चाहता हूँ। ये हमने यहाँ अपना प्रोग्राम ओपन कर लिया है। अब इस प्रोग्राम के अंदर में क्या मैं आप बताना ये चाहता हूँ कि ये यूज़र से वैल्यू जो लेगा 0.0 to 0.9 वैल्यू लेना है इसका,
और इसी तरीके से मैंने इसमें सेट कर रखा है कि अगर 1.0 करेगा तो बैड स्कोर देना है, अगर 0.8 करता है तो ये बी करना है, सी करना है, प्रिंट जो भी इसमें। और अगर इससे हट के कुछ और आप इनपुट करते हो तो वो एरर मैसेज देगा। इसको पहले हम रन करा के दिखाते हैं, ये जो मैंने प्रोग्राम से किया जिसको मैंने रन किया। अब यहाँ पूछ रहा है कि इंटर द वैल्यू 0 to 0.9। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 0.8। ये हमने जैसे ही टाइप किया ये बी दे दिया हमने। अब मैं कुछ ऐसा कर, इसको मैं फिर से रन करता हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ इस बार मैं कुछ हट के नंबर देता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ ये रन कर रहा है कि 65, ये वर्क कर रहा है कि नहीं। प्रोग्राम 65 दे दिया मैंने तो बैड स्कोर इसने दिया, मतलब ये आपने सेट नहीं किया। तो इस तरीके से हमारा ये सॉफ्टवेयर काम करता है। अब इसके अंदर में हम चेंजेस भी कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पे सारा आपको ऑप्शन दे देगा। आपको प्रीमियम वर्जन में जाना है तो गेट प्रीमियम आप कर सकते हैं, बहुत सारे इसमें आपको फीचर्स अलग अलग जुड़ जाएंगे। सेटिंग में आप जा कर के आप चेंजेस कर सकते हो और भी चीज़, जैसे अपीयरेंस में अगर गया तो यहाँ फॉन्ट चेंज कर सकते हो आप, फॉन्ट साइज़ में भी बदल सकते हो आप, फॉन्ट में जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। आप एडिटर थीम में लाइट अभी चल रहा है तो आप डार्क भी कर सकते हो जो भी आपको। तो मैं यहाँ पर अगर डार्क करता हूँ तो देखते हो चेंज होता है क्या। ये देखिए हमारा पूरा स्क्रीन का चेंज हो गया। तो इसी तरीके से हम इसमें खुद का अपना प्रोग्राम हम टाइप भी कर सकते हैं और साथ साथ में हम ऑलरेडी कहीं से भी प्रोग्राम ले करके इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं दिखाना चाहता हूँ यही प्रोग्राम को हम इसमें कॉपी करते हैं, कट करते हैं, ये हमने कट कर दिया। अब मैं इसको पेस्ट भी करना, सपोज यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि कहीं और से मैंने इंटरनेट से कोई प्रोग्राम लिया है डायरेक्ट में यहाँ रन करना चाहता हूँ तो वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं और डायरेक्ट इसके अंदर में आप इस तरीके से आप पेस्ट करते हैं, फिर से रन करते हैं। देखिए पहले जैसे फिर से रन हो रहा है, इसमें टाइप करके भी देख लेते हैं, ये रन कर चाहे। इसमें एक और चीज़ बतानी है आपको कि आप न्यू, आप यहाँ जैसे ये आपका प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है तो नया आपको करना है, क्योंकि आप क्लिक करेंगे तो न्यू आ जाएगा, लेकिन आपको ये असाइनमेंट जो पहले वाला ये आपको शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, उसी तरीके से इसमें आप शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जैसे जैसे आप न्यू टाइप करेंगे वैसे वैसे आपको एक टैब बनता जाएगा और आपका पिछला जो प्रोग्राम है वो शिफ्ट होता जाएगा स्क्रीन पे। इससे क्या आसानी होगी कि आप जल्दी से आप अपने पीछे प्रोग्राम में भी जा सकते हैं और उससे नए में भी जा सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, और बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको जावा के सॉफ्टवेयर के बारे में भी बताऊँगा उसकी आईडी कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि तो मेरा फर्स्ट वीडियो है तो मोस्ट प्रॉब्ली बहुत सारी गलतियाँ भी हुई होंगी, तो उसको नज़रअंदाज करें। और बहुत सारी चीज़ें आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू प्लस मोबाइल तक बहुत सारा फंक्शंस कैसे यूज होते हैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ आगे वीडियो में। अभी सपोर्ट करिए मुझे, लाइक करिए और शेयर करिए मेरे।